वही हिंदुओं के अपना ही बोली, जब पाकिस्तान बना तो वहां से कुछ यहां भी आ गए। और आज आप लोगों के इल्म में है कि गुज़श्ता हफ्ते दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती और उनके मोहतमिम हुसैन अहमद मदनी, उसके रिश्ते में उसका बेटा, उसने टेलीविजन के ऊपर आकर यह कहा कि माज़ल्ला पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों ने गलती की, इसीलिए ये आज अज़ाब भुगत रहे हैं। मैं कहता हूं मदनी साहब, असल में आपको जो आपके बुजुर्गों ने जो मदरसा बनाया वहां की जो रोटियां मिली है ना आपको, वो चूंकि हिंदुओं के पैसों की थी इसलिए आपको हिंदू अच्छा लग रहा है। काश के आज आपको यहां आकर पता चलता कि आजादी किस चीज का नाम है। जिसका दिल करता है, जब दिल करता है आजाद देता है, जब दिल करता है जलसा करता है, जब दिल करता है मीलाद का जुलूस निकालता है, जब दिल करता है उसका जिक्र करता है, जब दिल करता है वो चाहता है वो कर लेता है। जरा आप अपने हिंदुस्तान में जरा देखो कि आए लोग मुसलमानों की लाशें गिरती है, जुर्म क्या है कि उन्होंने कुर्बानी पर गाय का जबा कर दिया, जुर्म क्या है कि उन्होंने गाय का गोश्त खा लिया, जुर्म क्या है कि उन्होंने नमाज पढ़ दी, जुर्म क्या है कि उन्होंने अजान दे दी, जुर्म क्या है कि उन्होंने मस्जिद बना दी। काश सुनो ऐसा कराने बंद दी थी, निगाह जा रही है आसमां से आजादी का एक लम्हा है बेहतर, गुलामी की हयातें जावे वहां से। और हम यही कहना चाहते हैं कि उन गंदे मौलवियों को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमारे वतन अर्ज़े वतन पाकिस्तान की पाकशाह जमीन के बारे में कोई किसी किस्म का बकबक करे, और जिन्हें ये पाकिस्तान पसंद नहीं वो यहां से मदरसिया मदरसे निकाले और दबाव में जाकर देवबंद के शहर के अंदर अपना हज्जा बनाए। हमारा वतन है ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। मेरा यहां कहने से मुराद किसी मकतबे फिक्र को छेड़ना नहीं, लेकिन यह मैं भी बताना चाहता हूं कि गौर करो और पहचानो कल भी पाकिस्तान की मुखालफत कौन कर रहे थे और आज भी पाकिस्तान की मुखालफत ये वही असद मदनी है कि जिसने कुछ अर्सा पहले कश्मीर के शहादा को बाली बना दिया था, और यही वो असद मदनी है कि जिसने फतवा दिया हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम देवबंद का मरकजी फतवा के गाय सिवा करना ना जाए मुसलमानों के लिए। मैं कहता हूं जिसे अल्लाह हराम कर दे उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह हलाल कर दे उसे कोई हराम नहीं कर सकता। गाय हलाल है, कल भी हलाल थी, आज भी हलाल है, सुबह कयामत तक हलाल रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पाकिस्तान पे नाम है। अंग्रेजिया की इसने तुमने ताना दिया है दहशत गर्दी का, तो हम दंगे की चोट में देते हैं। यहां दहशत गर्द भी तुम्हारे बैठे हुए हैं, दहशत गर्द भी इंडिया के बैठे हुए हैं। ये जितने शमाली इलाकों और वो जो लोग हैं जो आज ब्लॉक कर रहे हैं वो है कौन, उनका ताल्लुक किस मकतबे फिक्र से है, सारी दुनिया को पता है कि जो उनकी मकतबे फिक्र के वो लोग हैं। लिहाजा हम कहेंगे हमारे वतन के बारे में कोई बात मत करो, इंशाल्लाह हम मिलकर इस वतन से दहशत गर्दी के विपरीत को काबू करेंगे और इसके खून आशाम बच्चों से अपनी अर्जे पाक अर्जे पाकिस्तान को निकाल के दम रखकर दम लेंगे। बोलिए सारे इंशाल्लाह, बोलो सारे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, हमें अपनी फौज पर नाज है, हमें अपनी अफवाज पर नाज है, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने को